फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आप देख रहे हैं इस समय मैं IDPL गेट नंबर 1 पे हूँ। नियरेस्ट ये पे इनकम टैक्स ऑफिस, यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ेगा नीलकंठ महादेव टेम्पल। सो देखते हैं वहाँ पे क्या मजा आने वाला है, लेट्स गो फॉर इट। मेरे साथ इस ब्लॉग में आज 5 लोग और भी हैं जो ऋषिकेश से नीलकंठ तक जाएंगे। नीलकंठ की लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। सो स्टे ट्यून इन द ब्लॉग, यू विल रियली एंजॉय इट। दिस इज़ द शिवपुरी कैंपिंग पॉइंट इन ऋषिकेश, बेस्ट प्लेस टू चिल द हॉलीडेज, यू कैन कम विथ योर फ्रेंड्स। का ब्रेक लिया है, इस वक्त हमें यमकेश्वर महादेव टेंपल, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से नीलकंठ अभी 5 किलोमीटर दूर है। अगर आपको घूमना है तो आप फरवरी मार्च में ही आएँ यहाँ पे, ताकि यहाँ रश नहीं मिलता। और जुलाई अगस्त में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कांवड़ यात्रा काफ़ी चलती है, तो जैसे काफ़ी रश मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप फरवरी मार्च में ही आएँ, जिससे कि आप पूरी अच्छी तरह से घूम सकेंगे। सो अब चलते हैं, टाइम हो रहा है 2:15, हम 12:30 बजे निकले थे, काफ़ी टाइम लग गया है। तो अब चलते हैं, देखते हैं 5 किलोमीटर बचा है, लेट्स गो फॉर इट।
जब अमृत पाने के लिए देवता और असुर ने सागर मंथन किया था तब उसमें से विष निकला था जिसको कोई ग्रहण नहीं करना चाह रहा था, तो केवल शिव भगवान ही थे जिन्होंने विष को ग्रहण किया था और यहाँ पे वो आए थे और उनका कंठ नीला पड़ गया था, इस वजह से जगह का नाम नीलकंठ पड़ा था। यहाँ पे पूरे इंडिया से हर जगह से लोग आते हैं शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो फरवरी मार्च में आए, अगर थोड़ा रश होता है जो कि जुलाई और अगस्त में होता है कांवड़ यात्रा की वजह से, तो आप मेरा सजेशन यही है कि फरवरी मार्च में ही आएँ अच्छे से, जिससे कि आपको दर्शन मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है बट वीडियो अलाउ नहीं है अंदर, इस वजह से केवल आउटसाइड की वीडियो दिखा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।